कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा पार्षद, हम जानेंगे नगर निकाय की चुनावी यात्रा, हम जानेंगे जनता की राय और बताएंगे आपको किसके सिर रहेगा जीत का ताज। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा सिर्फ T20 न्यूज पर। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जीत की सुनिश्चित बता रहे हैं। वहीं शुकाबाद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रानी गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता लगातार लोगों से जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट मांगकर आशीर्वाद ले रही हैं। इसी क्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह यादव उर्फ छोटू, डॉक्टर राम कैलाश यादव, ब्लॉक प्रमुख जोगिंद्र सिंह, मनोज गुप्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ईरानी गुप्ता के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने नगर पालिका शुकाहाबाद के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 श्रमू नगर में लोगों से विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हुए कहा कि हमें बड़े बूढ़ों बुजुर्गों आदि का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि शहर में पिछले कार्यकाल में जो विकास नहीं हुआ वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी, और यदि वो यहाँ से चेयरमैन बनी तो शुकाहाबाद नगर में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। इस दौरान राजीव गुप्ता ने कहा कि हमें हर वर्ग के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार के चेयरमैन प्रत्याशी के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ जो कि जनता ने देखा है। साथ ही हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बाहरी बहुमत से विजयी होगी। वहीं विष्णु सक्सेना ने कहा कि इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी बहुमत से विजयी बनाने का मन बनाया है। शहर में विकास की काफ़ी आवश्यकता है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही करा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय प्रत्याशी रानी गुप्ता को बाहरी बहुमत से विजयी बनाए, जिससे नगर में विकास की गंगा बह सके। तो देखते रहिए T20 न्यूज। जी, आप कन्वेंशन कर रहे हैं, किस तरह का आपको मिल रहा समर्थन? आज हम लोग वार्ड नंबर 21 में सुबह से वोट मांग रहे हैं भाजपा प्रत्याशी रानी गुप्ता जी के लिए, और सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समूह, पूरे नगरवासी सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताने के लिए कह रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा तो नगर का विकास भी होगा। सरकार की जो योजना है योगी मोदी जी के नेतृत्व में सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए इस बार नगरवासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल चुनाव चिन्ह पर रानी गुप्ता जी को भारी बहुमत से जिताना है। समर्थन मिल रहा है आपको? आज वार्ड नंबर 21 में हम लोग वोट मांगने आए हैं, जिसमें हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छोटू यादव जी साथ में हैं, कृष्ण शर्मा जी, भोलू अनिल शर्मा जी, बाजा यादव, मनोज गुप्ता जी, आशीष अग्रवाल जी, काफी लोग हमारे साथ में हैं, और काफी अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हमें समर्थन रूप में वोट मिलेगा और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। जीत के बाद जो नालों में पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, वो सारी परेशानियां दूर की जाएंगी। मेरा जनता से आश्वासन है, आग्रह है कि मुझे वोट दें और जिताएं। आप लोग कन्वेंशन कर रहे हैं नगर पालिका परिषद सुखाबाद के लिए भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी श्रीमती रानी गुप्ता के समर्थन में आज वार्ड नंबर 21 में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। संगठन के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस सामान्य जन के द्वारा मिल रहा है। हम लोग केवल सुखाबाद के विकास, सुखाबाद किस प्रकार स्वच्छ रहे, साफ रहे, और सारी समुचित व्यवस्थाएं जो प्रदेश और राज्य सरकार, प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो, इसका आश्वासन देते हुए अपने पार्टी को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी पूरे मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5,000 प्लस वोटों के साथ इस नगर पालिका को जीतने वाली है, और इसमें सारे कार्यकर्ताओं की, हमारे प्रत्याशी की स्वच्छ छवि और संगठन के सारे लोगों की जो शक्ति है, उसका परिणाम मुझे नगर पालिका परिषद में चेयरमैन के पद पर श्रीमती रीना गुप्ता और इस वार्ड में 21 नंबर वार्ड में मोहित यादव की प्रचंड जीत होगी।
अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शिकुआबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकुआबाद। होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित, आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकुआबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456283 09 एंड 9456283 10। होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद।